हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मशीन डिजाइन का MCQ पार्ट 1 कवर करने वाले हैं, जो सारे यूनिट को कंबाइन करके बनाया गया है। और जो यहाँ पे हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप एग्जाम देने से पहले एक बार इस जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़ के या रिवाइज करके जरूर जाए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ऑप्शंस मैक्सिमम स्ट्रेस टू द एंड्योरेंस लिमिट, नेक्स्ट नॉमिनल स्ट्रेस टू द एंड्योरेंस लिमिट, नेक्स्ट मैक्सिमम स्ट्रेस टू द नॉमिनल स्ट्रेस एंड नॉमिनल स्ट्रेस टू द मैक्सिमम स्ट्रेस। तो जनरली हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को डिफाइन करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस टू द नॉमिनल स्ट्रेस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज कॉज ड्यू टू ऑप्शन वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन द मेंबर, सेकेंड पिटिंग एट पॉइंट और एरियाज एट विच लोड ऑन मेंबर आर अप्लाइड, ऑप्शन सी एब्रप्ट चेंज ऑफ सेक्शन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, मैं इसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की वजह से भी होता है, किसी पॉइंट पे अगर पिटिंग करते हैं तो उस कंडीशन पे भी होता है, और अगर कोई सेक्शन किसी भी मशीन कंपोनेंट में सेक्शन अगर एब्रप्टली चेंज हो गया, मतलब कहीं डिक्रीज हो गया कहीं इंक्रीज हो गया, तो उस कंडीशन में स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडरबर्ग रिलेशन इज बेस्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द मटेरियल वेयर एज ऑल द फेलियर रिलेशन फॉर डायनेमिक लोडिंग आर बेस्ड ऑन अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ऑप्शन इलास्टिक स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी यील्ड स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी शियर स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जब भी सोडर वर्क की हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में हम यील्ड स्ट्रेंथ को ही कंसिडर करते हैं, रिलेशन इज बेस्ड ऑन यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस टू फटिग ऑफ अ मटेरियल इज मेजर्ड बाय, किसी भी मटेरियल की जो फटिग नेश की जो प्रॉपर्टीज होती है उस रेजिस्टेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ऑप्शन ए इलास्टिक लिमिट, ऑप्शन बी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी यंग्स मॉडुलस, ऑप्शन डी एंड्योरेंस लिमिट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है एंड्योरेंस लिमिट। हम किसी भी मटेरियल की जो फटिग की जो रेजिस्टेंस होती है वो एंड्योरेंस लिमिट, एंड्योरेंस लिमिट का मतलब फेलियर होने से पहले कितने नंबर ऑफ साइकिल उसने कवर किए या कितना नंबर ऑफ साइकिल के बाद कोई मटेरियल फेल हो रहा है, तो हम एंड्योरेंस लिमिट के बेस पे ही फटिग रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फटिग लाइफ ऑफ अ पार्ट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, किसी भी पार्ट की जो फटिग लाइफ होती है उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन बी पॉलिशिंग, ऑप्शन सी कोटिंग एंड ऑप्शन डी इज अ शॉर्ट पिनिंग। तो हम अगर फटिग लाइफ इम्प्रूव करना है तो शॉर्ट पिनिंग इज अ बेस्ट ऑप्शन। शॉर्ट पिनिंग का मतलब ये होता है कि आप जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पे आप हथौड़े मार रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं थोड़े थोड़े, तो इसमें हम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट पिनिंग, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज डिजायरेबल इन पार्ट्स सब्जेक्टेड टू शॉक एंड इम्पैक्ट लोड्स, ऑप्शन स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी स्टिफनेस, ब्रिटलनेस एंड टफनेस। तो जब भी शॉक लोडिंग होता है, शॉक या इम्पैक्ट, इम्पैक्ट होगा तो शॉक आएगा, तो उस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी पिक्चर में आता है दैट इज टफनेस। टफनेस जो है वो शॉक लोड या इम्पैक्ट लोड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टफनेस। तो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर डिपेंड्स अपॉन, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ऑप्शन मटेरियल एंड ज्योमेट्री ऑफ द पार्ट, ऑप्शन नेक्स्ट ज्योमेट्री ऑफ द पार्ट, सी मटेरियल ऑफ पार्ट एंड नन ऑफ दिस। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वैल्यू जो डिपेंड करती है मटेरियल एंड ज्योमेट्री ऑफ द पार्ट, कि
कौन सा मटेरियल है और मटेरियल की ज्योमेट्री कैसी है उस पर डिपेंड करेगा स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर. राइट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड्योरेंस लिमिट ऑफ अ मटेरियल विथ फिनिश्ड सरफेस इन कंपैरिजन टू रफ सरफेस इज. तो ऑब्वियसली एंड्योरेंस लिमिट का मतलब, मैंने एंड्योरेंस का मतलब बताया कि फेल होने से पहले, फेलियर होने से पहले कितने नंबर ऑफ साइकिल मटेरियल रजिस्ट किया, तो उसको हम बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट. अब चूंकि फिनिश्ड सरफेस होगा तो उसकी ऑब्वियसली एंड्योरेंस लिमिट हायर होगी एज कंपेयर टू रफ सरफेस. तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी लेस, ऑप्शन सी सेम. मोर और लेस डिपेंडिंग अपॉन क्वांटम ऑफ लोड. तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन साइक्लिक लोडिंग इज. तो साइक्लिक लोडिंग के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑप्शन वेरी सीरियस इन ब्रिटल मटेरियल एंड लेस सीरियस इन डक्टाइल मटेरियल. ऑप्शन बी वेरी सीरियस इन डक्टाइल मटेरियल एंड लेस सीरियस इन ब्रिटल मटेरियल्स. नेक्स्ट, इक्वली सीरियस इन बोथ टाइप्स ऑफ मटेरियल. एंड लास्ट इज सीरियसनेस वुड डिपेंड ऑन अदर फैक्टर्स. तो जब भी साइक्लिक लोडिंग होगी तो उस कंडीशन में जो डक्टाइल मटेरियल में जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा सीवियर होगा एज कम्पेयर टू ब्रिटल मटेरियल. ये चीज़ आपको रिमेम्बर रखना है. और दूसरा, अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जस्ट उल्टा होगा. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑप्शन, द स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन स्टैटिक लोडिंग इज मोर सीरियस इन डक्टाइल मटेरियल एंड लेस सीरियस इन ब्रिटल मटेरियल. ये ऑप्शन गलत है क्योंकि अभी हमने देखा कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन जब साइक्लिक लोडिंग होता है उस कंडीशन में डक्टाइल मटेरियल में वेरी सीरियस होता है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, द स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन स्टैटिक लोडिंग इज मोर सीरियस इन ब्रिटल मटेरियल एंड लेस सीरियस इन डक्टाइल मटेरियल. इसको देखते हैं अपन. सी, द टफनेस ऑफ मटेरियल इंक्रीजेज व्हेन इट इज हीटेड. जब हीट करेंगे तो मटेरियल की टफनेस इंक्रीज नहीं करती है, डिक्रीज कर सकती है, डिपेंड करेगा और भी फैक्टर्स पे, तो ये इनकरेक्ट है. नेक्स्ट ऑप्शन, द शियर स्ट्रेस इन अ बीम वेरीज फ्रॉम जीरो एट द न्यूट्रल सरफेस एंड मैक्सिमम एट द आउटर फाइबर. ये भी इनकरेक्ट है. तो ऑप्शन जो हमारे पास बचा दैट इज बी, द स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन स्टैटिक लोडिंग इज मोर सीरियस इन ब्रिटल एंड लेस सीरियस इन डक्टाइल मटेरियल. तो अब आपको याद रखना है, जब अगर साइक्लिक लोडिंग होता है तो उस कंडीशन में जो डक्टाइल में ज़्यादा होगा साइक्लिक के केस में, और अगर स्टैटिक लोडिंग है तो उस केस में ब्रिटल में ज़्यादा होगा. ये आपको याद रखना है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमिसिबल स्ट्रेस फॉर कार्बन स्टील अंडर स्टैटिक लोडिंग इज जनरली टेकन एज. ऑप्शन 2000 to 3000, ऑप्शन बी 3000 to 4000, ऑप्शन सी 4000 to 4500 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज 75 to 10000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये एक न्यूमेरिकल डेटा है, आपको याद रखना है 4000 to 45000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है. इसके लिए कार्बन स्टील के लिए अंडर स्टैटिक लोडिंग, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर फटिक लोडिंग इज द रेशियो ऑफ. ऑप्शन, इलास्टिक लिमिट टू द वर्किंग स्ट्रेस. ऑप्शन बी, इलास्टिक लिमिट टू द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस. ऑप्शन सी, एंड्योरेंस लिमिट टू द वर्किंग स्ट्रेस. एंड ऑप्शन डी, यंग्स मॉडुलस टू द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो इलास्टिक लिमिट ये हो नहीं सकता. नेक्स्ट ऑप्शन है इलास्टिक लिमिट टू द यील्ड पॉइंट, ये नहीं हो सकता है ना. नेक्स्ट ऑप्शन है एंड्योरेंस लिमिट टू द वर्किंग स्ट्रेस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन. एंड्योरेंस लिमिट टू द वर्किंग स्ट्रेस, जब भी फटिक की बात करेंगे तो वहां पे एंड्योरेंस लिमिट आएगा न कि इलास्टिक लिमिट, ठीक है. तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एंड्योरेंस लिमिट इन शियर टू द एंड्योरेंस लिमिट इन फ्लेक्सर इज. तो देखिए फ्लेक्सरल का मतलब है नॉर्मल, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है. तो एंड्योरेंस लिमिट इन शियर, शियर और फ्लेक्सरल का रेशियो क्या होता है.
ऑप्शन इज 0.33, ऑप्शन बी 0.4, ऑप्शन सी 0.5 एंड ऑप्शन डी इज 0.55। तो यहाँ पे ये भी आपको न्यूमेरिकल डेटा याद रखना है, ऑप्शन डी इज करेक्ट 0.55। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंडिंग मोमेंट एम एंड टॉर्क टी इज अप्लाइड ऑन अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, इफ द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड देन एम इज इक्वल टू। तो यहाँ पे थोड़ा समझिए कि क्या बोल रहा है, कि हमारे पास एम जो है वो बेंडिंग मोमेंट है और टी जो है वो टॉर्क है, एक सॉलिड शाफ्ट है। अब इसमें दिया हुआ है कि जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है दैट इज सिग्मा बी इज इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बोले तो टाउ। तो इस केस में क्या बोला है कि एम विल बी इन टर्म्स ऑफ टॉर्क, एम का मतलब है बेंडिंग मोमेंट और टी का मतलब है टॉर्क, तो एम क्या होगा इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। तो आपको पता है कि जो सिग्मा बी होता है एम के टर्म में क्या होता है, 32 m/π/d³, यही होता है 32 m/π/d³। और जो टी होता है वो टॉर्क के टर्म में कितना होता है, 16 t/π/d³, ये होता है अपने पास। तो अब इस केस में एम और टी में रिलेशन क्या होगा, यहां से π/d³ कट कर दीजिए तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t/2। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा यहां से, ऑप्शन नंबर ए, बाकी ऑप्शन हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द असेंबली ऑफ पुली की एंड शाफ्ट, ऑप्शन ए पुली इज मेड द वीकेस्ट, ऑप्शन बी की इज मेड द वीकेस्ट, सी की इज मेड द स्ट्रॉन्गेस्ट, ऑप्शन डी ऑल थ्री आर डिजाइन फॉर इक्वल स्ट्रेंथ। तो याद रखना आपको, जब भी असेंबली हो पुली की एंड शाफ्ट की, तो उस कंडीशन में हम की को सबसे वीकेस्ट सेक्शन के लिए डिजाइन करते हैं, क्योंकि जब भी डिसअसेंबल करना होगा तो की से ही हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्सेस अलोंग द लेंथ ऑफ की फिटेड इन अ शाफ्ट, ऑप्शन वेरीज लिनियरली, ऑप्शन बी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ऑप्शन सी वेरीज एक्सपोनेंशियली बीइंग मोर नियर द टॉर्क इनपुट एंड, ऑप्शन डी वेरीज एक्सपोनेंशियली बीइंग लेस नियर द टॉर्क इनपुट एंड। तो देखिए, वेरीज एक्सपोनेंशियली, बट जो टॉर्क इनपुट एंड है उस वहां पे कम तो हो नहीं सकता, तो ये तो वैसे ही हम इसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट है वेरीज लिनियरली, तो वेरीज लिनियरली वेरी नहीं करता है, यूनिफॉर्म भी नहीं रहता है, तो हमारे पास ऑप्शन बचा वेरीज एक्सपोनेंशियली बीइंग मोर नियर द टॉर्क इनपुट एंड, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेपर ऑन अ रेक्टेंगुलर संक सी इज, तो जो रेक्टेंगुलर संक की होता है वो टेपर्ड कितने बाय कितने लेंथ पे होता है, 1 in 16, 1 in 32, 1 in 48, ऑप्शन डी 1 in 100। तो यहाँ पे टेपर्ड कितना होता है, 1 in 100। 1 in 100 का मतलब होता है, टेपर्ड का मतलब कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, टेपर्ड सेक्शन आपने देखा होगा, तो ये है टेपर्ड। 1 in 100 का मतलब ये है कि जब आप इधर 100 चलते हैं तो ये जो डिस्टेंस होगा 1 meter होगा, तो 1 in 100 होता है किसमें, रेक्टेंगुलर संक की में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कपलिंग इज यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट्स विच हैव बोथ लेटरल एंड एंगुलर मिसअलाइनमेंट। तो देखिए, कपलिंग एक ऐसा डिवाइस होता है, मैकेनिकल कंपोनेंट, जो दो शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे दो शाफ्ट कैसे हैं, लेटरल और एंगुलर मिसअलाइनमेंट है, तो जब भी लेटरल और एंगुलर मिसअलाइनमेंट हो तो उसके लिए बूस्ट पिन टाइप यूज कर सकते हैं, यूनिवर्सल कपलिंग या यूनिवर्सल ओल्डम कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग है यहाँ पे, ओल्डम कपलिंग है यहाँ पे, तो यूनिवर्सल और ओल्डम दोनों यूज करते हैं, और बूस्ट पिन टाइप भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन जो हुआ ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क इज, ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टू द
distance of the point from the axis B directly proportional to the applied torque and inversely proportional to the polar moment of inertia. C directly proportional to the applied torque and the polar moment of inertia. Option D inversely proportional to the applied torque and the polar moment of inertia. अब हम देख लेते हैं क्या है शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क. देखिए हम जानते हैं क्या टॉर्जनल इक्वेशन से टाउ बाई आई पी इज इक्वल टू, देखिए हम जानते हैं टॉर्जनल इक्वेशन से टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ बाई आर. तो यहां पे देखिए कभी भी टाउ जो है शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है टॉर्क, और शियर स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये कहाँ पे आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टॉर्क एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओपन क्वाइल हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग ए ऑफ मीन डायमीटर 50 mm इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड डब्ल्यू. Another spring of B of mean diameter 25 mm is similar to spring A in all respects. The deflection of spring B will be as compared to spring A. तो यहाँ पे देखिए दो spring है, एक जो spring A है उसका diameter mean diameter है 50 mm और जो spring B है उसका mean diameter वो है 25 mm. बाकी सभी respect में दोनों spring same है. तो आपसे पूछा गया है deflection of B will be how much deflection of A. तो चूंकि आपको पता है deflection का formula क्या होता है eight W dQn upon GD4. तो ये देखिए जहां पे क्या है 8 तो कांस्टेंट है, W जो है लोड है और N जो है W D जो है मीन डायमीटर है, N जो है स्प्रिंग इंडेक्स है, G रिजिडिटी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड D जो है डायमीटर ऑफ स्प्रिंग. तो ये होता है डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला. तो यहां पे देखिए डिफ्लेक्शन क्या दिख रहा है, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DQ, मतलब डिफ्लेक्शन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन डायमीटर क्यूब ऑफ मीन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग. यहां से क्या आ रहा है मीन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग. तो यहां से अगर आप dB की बात करें तो यहां पे क्या हो गया dB अपॉन dA, अगर इसको मैं आगे लिखूं dB अपॉन क्या हो गया dA इज इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो dQ B अपॉन डी क्यू ए. तो उस कंडीशन में जो आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन आएगा 1/8. तो ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मरीन फ्लेंज कपलिंग द पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट इज टेकन एज ऑप्शन ए 1.2D, ऑप्शन बी 1.6D, ऑप्शन सी 2D एंड डी इज 2.5D. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ये भी न्यूमेरिकल डेटा है 1.6D. आपको याद रखना है जब भी हम मरीन फ्लेंज कपलिंग यूज करते हैं तो पिच सर्कल डायमीटर जो बोल्ट का होता है दैट इज 1.6D. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर टू शाफ्ट कनेक्टेड इन पैरेलल. जब दो शाफ्ट पैरेलल में कनेक्ट हो तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑप्शन ए टॉर्क इन इच शाफ्ट इज द सेम. ऑप्शन बी शियर स्ट्रेस इन इज शाफ्ट इज द सेम. ऑप्शन सी एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ इज शाफ्ट इज द सेम एंड ऑप्शन डी टॉर्जनल स्टिफनेस ऑफ इज शाफ्ट इज द सेम. तो याद रखिएगा जब भी दो शाफ्ट पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ ट्विस्ट आपस में बराबर होता है, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 या अपन ने सोम में पढ़ा है. और अगर दो शाफ्ट सीरीज में कनेक्ट होंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है टॉर्क जो होता है T1 इज इक्वल टू क्या होता है T2. उस कंडीशन में जब सीरीज में होगा तो क्या सेम होगा टॉर्क सेम होता है, और अगर पैरेलल में होता है तो
डिफ्लेक्शन या हम एंगल ऑफ ट्विस्ट को सेम करते हैं या सेम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाफ्ट कपलिंग इज यूज्ड इन मशीनरी टू, ऑप्शन ए इंड्यूस्ड मैकेनिकल फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ऑप्शन बी इंट्रोड्यूस्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड्स, ऑप्शन सी रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ शॉक लोड्स। तो शाफ्ट कपलिंग हम क्यों यूज करते हैं, तो सारे ऑप्शन करेक्ट हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ ब्रेक कॉमनली यूज इन मोटर कार्स इज अ, ऑप्शन शू ब्रेक, ऑप्शन बी बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक, ऑप्शन सी बैंड ब्रेक, ऑप्शन डी इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक। तो जो मोटर कार होता है उसमें जनरली यूज किया जाता है इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ऑप्शन ए अ की इज यूज्ड एज अ टेम्पररी फास्टनिंग, ऑप्शन बी अ की इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस। तो देखिए जो की है वो टेम्पररी फास्टनिंग के लिए यूज किया था, ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन बी की इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस, देखते हैं इसको, ऑप्शन सी अ की इज ऑलवेज इंसर्टेड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, ये भी सही है, ऑप्शन डी अ की प्रिवेंट्स रिलेटिव मोशन बिटवीन द शाफ्ट एंड बोस ऑफ द पुले, ये भी सही है। तो गलत यहाँ पे है, अ की इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेसेस, ये क्वेश्चन गलत है, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। तो यहां पे हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ होलो शाफ्ट विल ट्रांसमिट अ फिल इन द ब्लैंक्स टॉर्क देन अ सॉलिड शाफ्ट ऑफ द सेम मास एंड सेम मटेरियल। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी होलो और हम सॉलिड शाफ्ट को कंपेयर करते हैं तो हमारा जो होलो शाफ्ट होता है वही बेस्ट होता है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि सेम मटेरियल या सेम जो भी आप प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में या सेम पैरामीटर फिक्स करने के बाद हमेशा हॉलो शाफ्ट बेस्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हम देख लेते हैं क्या है, स्मॉलर, ग्रेटर, मीडियम, नॉन ऑफ दिस, तो दिस ग्रेटर विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोस्ट मशीन मेंबर्स द डैम्पिंग कैपेसिटी ऑफ मटेरियल शुड बी, जो भी मशीन मेंबर्स हो उसमें डैम्पिंग कैपेसिटी क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली हाई होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लो, जीरो, हाई, कुड बी एनीथिंग। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डैम्पिंग कैपेसिटी कभी भी मशीनिंग कंपोनेंट में हाई ही होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू शाफ्ट ए एंड बी आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, द डायमीटर ऑफ शाफ्ट ए इज ट्वाइस एज दैट ऑफ शाफ्ट बी, द पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट ए विल बी, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द शाफ्ट बी। तो यहाँ पे दो शाफ्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं और हमें निकालना है पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट ए, मतलब पी ऑफ ए विल बी हाउ मच पी ऑफ बी, पावर ऑफ बी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो दो शाफ्ट हैं जिनकी मटेरियल सेम है, अब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पावर, तो उस कंडीशन में आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πNT/60, यही पावर का फॉर्मूला होता है। अब चूंकि सारे मटेरियल जो प्रॉपर्टीज है सेम है, कंडीशन सेम है, तो ये 2π तो कांस्टेंट है, 60 भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या होगा, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क हो गया। तो इसका मतलब ये कर सकते हैं हम PA/TA या PA/PB, PA/PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TA/TB, द डायमीटर ऑफ शाफ्ट ए इज ट्वाइस एज दैट ऑफ शाफ्ट बी। तो अभी आपने देखा था टॉर्क जो होता है पाई टी इज इक्वल टू 16 tau π/dq, यही होता है, तो dq अब चूंकि ट्वाइस है तो dq 2 ऑफ dq, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 का
जो पावर क्यूब होगा तो उस कंडीशन में कितना होगा, 2 into 2 into 2 तो हो जाएगा 8 टाइम्स, तो ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ की वेज लोअर्स, ऑप्शन ए द स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट, ऑप्शन बी द रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट, ऑप्शन सी बोथ द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट, ऑप्शन डी द डक्टिलिटी ऑफ द शाफ्ट। तो की वेज हमेशा स्ट्रेंथ और रिजिडिटी को रिड्यूस करता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुड्रफ की इज, ऑप्शन अ टेपर्ड की विथ हेड एट वन एंड, ऑप्शन बी फिटेड इन पेयर्स एट राइट एंगल्स, ऑप्शन सी कैपेबल ऑफ टिल्टिंग इन अ रेसेस मिल्ड आउट इन द शाफ्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो वुड्रफ की के लिए ये होता है कैपेबल ऑफ टिल्टिंग इन अ रेसेस मिल्ड आउट इन द शाफ्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेपर्ड की विच फिट्स इन अ की वे इन द हब एंड द बॉटम ऑफ विच इज शेप टू फिट द कर्व सरफेस ऑफ द शाफ्ट इज नोन एज, ऑप्शन ए हॉलो सैडल की, ऑप्शन बी हॉलो की, ऑप्शन सी सॉफ्ट की, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ऐसा टेपर्ड की जो हम हब के कीवे में फिट कर सकते हैं और कर्व सरफेस के लिए बना होता है उसको हम बोलते हैं हॉलो सैडल की, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लीव और मफ कपलिंग इज डिजाइंड एज, ऑप्शन ए डन सिलेंडर, ऑप्शन बी हॉलो शाफ्ट, ऑप्शन सी सॉलिड शाफ्ट, ऑप्शन डी थिक सिलेंडर। तो देखिए स्लीव और मफ कपलिंग कैसा डिजाइन किया था, हॉलो, तो ये हॉलो शाफ्ट के जैसा होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फीदर की इज जनरली, ऑप्शन ए लूज इन शाफ्ट एंड टाइट इन हब, तो फीदर की कभी भी शाफ्ट में लूज नहीं हो सकता और हब में टाइट नहीं हो सकता, ऑप्शन बी टाइट इन शाफ्ट एंड लूज इन हब, ये हो सकता है, अभी देखते हैं आगे, टाइट इन बोथ शाफ्ट एंड हब नहीं, नेक्स्ट लूज इन बोथ शाफ्ट एंड हब ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो फीदर की इज टाइट इन शाफ्ट एंड लूज इन हब इज अ राइट ऑप्शन, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैडल की फिल इन द ब्लैंक्स पावर थ्रू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ओनली, सैडल की क्या करता है, ट्रांसमिट पावर और डज नॉट ट्रांसमिट पावर, आइदर ट्रांसमिट और नॉट ट्रांसमिट, नन ऑफ दिस। तो सैडल की ऑलवेज पावर ट्रांसमिट करता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू शाफ्ट ए एंड बी अंडर प्योर टॉर्जन आर ऑफ आइडेंटिकल लेंथ एंड आइडेंटिकल वेट एंड आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, द शाफ्ट ए इज सॉलिड एंड द शाफ्ट बी इज हॉलो, वी कैन से दैट। अभी जैसे हमने बोला कि दो शाफ्ट कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज वन इज हॉलो एंड अदर इज सॉलिड, तो उस कंडीशन में हमने क्या बोला था कि जो हॉलो शाफ्ट होगा दैट विल बी बेस्ट और बेटर देन सॉलिड शाफ्ट। ऑप्शन देख लेते हैं, शाफ्ट बी इज बेटर देन शाफ्ट ए, ए इज सॉलिड है ना, तो शाफ्ट ये दिखे शाफ्ट बी इज बेटर देन शाफ्ट ए, दैट इज करेक्ट आंसर। आगे भी देख लेते हैं, शाफ्ट ए इज गलत, बोथ शाफ्ट आर इक्वली गलत, नॉन ऑफ दिस ये हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूजुअल प्रोपोर्शन फॉर द विड्थ ऑफ की इज, वेयर डी इज डायमीटर ऑफ शाफ्ट एंड और डायमीटर ऑफ होल इन द हब। तो देखिए यूजुअल प्रोपोर्शन फॉर द विड्थ ऑफ की इज, डायमीटर के टर्म में की विड्थ कितनी लेते हैं, तो ऑप्शन इज डी बाई 8, d by 6, d by 4 and d by 2, correct option is d by 6. Next question, when a machine member is subjected to a torsion, the torsional shear stress setup in the member is, option A, 0 at both the centroidal axis and outer surface of the member, नहीं गलत, ये गलत है, outer surface पे 0 नहीं हो सकता। Next, मैक्सिमम एट बोथ द सेंट्रोइडल एक्सिस एंड आउटर सरफेस ऑफ द मेंबर, कभी भी सेंट्रोइडल पे मैक्सिमम नहीं हो सकता। नेक्स्ट, 0 एट द सेंट्रोइडल एक्सिस एंड मैक्सिमम एट द आउटर सरफेस ऑफ द मेंबर, यस दिस इज करेक्ट, जब भी सेंट्रोइडल एक्सिस हो तो वहां पे शियर स्ट्रेस क्या होगा, 0 होगा और मैक्सिमम होगा आउटर सरफेस पे, क्यों, क्योंकि हमें पता है टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, अगर रेडियस क्या होगा, आर जो होगा आउटर सरफेस पे ज़्यादा होगा, अगर रेडियस क्या होगा, अगर जीरो होगा आर, यहाँ से हम
क्वेरी करवाते हैं सेंटर से, तो न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ, आर इज इक्वल टू जीरो, आर इज मैक्सिमम, तो मैक्स जीरो कहाँ पे होगा, सेंट्रोइडल एक्सिस पे, और मैक्सिमम विल बी एट द आउटर सरफेस। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन डी देखने की जरूरत नहीं है, या देख सकते हैं मैक्सिमम एट द सेंट्रोइडल एक्सिस, गलत, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू शाफ्ट ऑफ द सेम लेंथ एंड मटेरियल आर ज्वाइंट इन सीरीज, देखिए दो शाफ्ट को हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, इफ द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इज 2 देन द रेशियो ऑफ देयर एंगल ऑफ ट्विस्ट इज, अभी हमने बोला था कि जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टॉर्क क्या होता है, सेम होता है दो शाफ्ट का। अब यहाँ पे सारे फैक्टर सेम है तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा अपना एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए आप लाएंगे यहाँ पे C थीटा बाई L, तो इस कंडीशन में आपका जो कैलकुलेट करके देखेंगे ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, क्योंकि जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्या, पाई बाई 32 D4, तो चूंकि डायमीटर जो है वो ट्वाइस है तो D4 का मतलब हो गया 2 to the power 4, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16, तो राइट आंसर विल बी 16। हो सकता है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये क्योंकि डायरेक्ट मैंने बता दिया आपको, तो ये आप करके देख सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन विल बी डी, क्योंकि इससे पहले हमने फॉर्मूले से भी बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोडिंग इज कंसिडर्ड फॉर द डिजाइन ऑफ एक्सल, तो ऑप्शन इज बेंडिंग मोमेंट ओनली, ऑप्शन बी ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली, ऑप्शन सी कंबाइंड बेंडिंग एंड कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट, ऑप्शन डी कंबाइंड एक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट एंड एक्सियल थ्रस्ट। तो याद रखिएगा जब भी एक्सल की बात करेंगे, एक्सल वेयर इज एक्सल, एक्सल की जब हम बात करते हैं तो एक्सल ये रोटेशन नहीं होता, एक्सल लोड के लिए, एक्सल पावर ट्रांसमिट नहीं करता, एक्सल जो होता है वो लोड को ट्रांसमिट करता है, तो एक्सल के केस में बेंडिंग ही सिर्फ कंसिडर किया जाता है, शाफ्ट जब हम बात करेंगे तो उस कंडीशन में ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग, मतलब कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, क्योंकि जो टॉर्क जो शाफ्ट होता है पावर और टॉर्क दोनों ट्रांसमिट करता है, ठीक है, तो इन केस ऑफ एक्सल बेंडिंग मोमेंट विल बी कंसिडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यील्ड पॉइंट इन स्टैटिक लोडिंग इज फिल इन द ब्लैंक्स एज कंपेयर टू फटिक लोडिंग, तो देखिए स्टैटिक लोडिंग में जो यील्ड पॉइंट की वैल्यू होती है हमेशा ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फटिक यील्डिंग, क्योंकि जब फटिक के केस में मटेरियल फेल होता है तो मेन यील्डिंग से हमेशा पहले ही फेल होता है, तो ऑप्शन ए इज हायर, ऑप्शन बी इज लोअर, सेम नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन विल बी हायर, ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग लोड फॉर विच द नॉर्मल टॉर्क एंड बेंडिंग मोमेंट आर 1000 and 500 Nm रिस्पेक्टिवली, मतलब जो टॉर्क दिया हुआ है 1000 और बेंडिंग जो मोमेंट दिया हुआ है दैट इज 500, तो आपसे क्या पूछ रहा है, इफ द कंबाइंड शॉक एंड फटिक फैक्टर फॉर बेंडिंग इज, बेंडिंग के लिए कितना दिया हुआ है 1.5 एंड कंबाइंड शॉक फॉर फटिक फैक्टर फॉर टॉर्जन इज 2 देन द इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट फॉर द शाफ्ट इज, देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक शाफ्ट है जिसमें टॉर्क दिया हुआ है और बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है, टॉर्क कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है और बेंडिंग मोमेंट जो है हमारे पास 500 है, और इफ द कंबाइंड शॉक एंड फटिक फैक्टर फॉर बेंडिंग इज, बेंडिंग के लिए कितना दिया हुआ है 1.5 एंड टॉर्क के लिए दिया हुआ है फैक्टर कितना दिया हुआ है 2, तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि ये फैक्टर दिया हुआ है, तो 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 1000 से और 500 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 1.5 से, जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये हो जाएगा 2000 टॉर्क हो जाएगा और 5 × 1.5 तो 750 हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, देन द इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट फॉर द शाफ्ट इज,
इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है टी ई इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप जब एम स्क्वायर मतलब 2000 का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बोले तो 750 का स्क्वायर प्लस 2000 का स्क्वायर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज 2136 न्यूटन मीटर। इसको करेक्ट आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लोजली क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग इज एक्टेड अपन बाय एन एक्सियल फोर्स, द मैक्सिमम स्ट्रेस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप इन द स्प्रिंग इज टाउ, द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज कट ऑफ एंड द रिमेनिंग स्प्रिंग इज एक्टेड अपन बाय द सेम एक्सियल फोर्स, दस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द स्प्रिंग इन न्यू कंडीशन विल बी। तो देखिए यहाँ पे जो है कि एक क्लोजली क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग है जिसपे एक्सियल फोर्स लग रहा है और एक्सियल फोर्स लगने के बाद शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है टाउ। अब इस स्प्रिंग को कट कर दिया गया मतलब आधे लेंथ घटा दिया गया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी स्ट्रेस कितनी होगी। तो लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा इसकी स्ट्रेस, जो शियर स्ट्रेस होगी स्ट्रेस विल बी ऑलवेज टाउ। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ क्लोज क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग इज कंपेयर्ड इट्स वायर इज सब्जेक्टेड टू, मतलब अगर कोई क्लोज क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग अगर कोई क्लोज्ड क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग है उसको अगर कंप्रेस कर रहे हैं तो इसका वायर में कौन सा स्ट्रेस आएगा, ऑप्शन टेंशन, ऑप्शन बी शियर, ऑप्शन सी कंप्रेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखना जब भी क्लोज्ड क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग हो और कंप्रेशन हो तो जो स्ट्रेस होता है ऑपोजिट होता है दैट इज टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन ओपन क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग कंप्रेशन स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द वायर इज, ऑप्शन टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। तो यहाँ पे कैसा है ओपन क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग, तो जब भी कैसा हो तो ओपन क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग में ऑलवेज शियर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन ओपन क्वाइल हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द वायर is where d is mean diameter of spring coil, d is small d is diameter of spring wire, k is wall stress factor and w is axial compressive load। तो ये direct formula है, यहाँ पे देखते हैं a w d upon pi d q into k, b is 2 w d upon pi d q upon k, c 4 w d upon pi d q into k, d 8 w d upon pi d q into k। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी ए डब्ल्यू डी अपन पाई डी क्यू इंटू के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ऑप्शन द सॉलिड लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वाइल्स एंड द डायमीटर ऑफ द वायर, दिस इज करेक्ट, ऑप्शन बी द स्प्रिंग इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ मीन डायमीटर ऑफ द क्वाइल टू द डायमीटर ऑफ वायर, ऑल्सो करेक्ट, D capital D upon D that is spring index। Next the spring stiffness is the load required per unit deflection of the spring, is ये भी सही है। Next the pitch of the coil is the axial distance, मतलब तीनों ऊपर सही है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, that is correct option, means यहाँ पे ये wrong है इसलिए D is correct option। Next question, the cracks in helical spring used in railway carriages usually starts on the inner side of the coil because of the fact that, मतलब जो भी रेलवे के कैरियर्स में यूज किया जाता है हेलिकल स्प्रिंग उसमें जो क्रैक्स होता है वो इनर साइड में होता है, ऐसा क्यों क्यों स्टार्ट वहां पे इनर साइड में क्यों होता है, ऑप्शन इट इज सब्जेक्टेड टू अ हायर साइक्लिक लोड देन आउटर साइड, ऑप्शन नेक्स्ट इट इज सब्जेक्टेड टू हायर स्ट्रेस देन द आउटर साइड, सी it is more stretched than the outer side during the manufacturing process, d it has a lower curvature than the outer side। तो ये यहाँ पे जो है चूंकि जो रेलवे कैरियर्स होता है वहाँ पे साइक्लिक लोडिंग लगती है तो इनर साइड में चूंकि साइक्लिक लोडिंग ज्यादा होती है इसलिए
वहां पे क्रैक वहीं से फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इट इज सब्जेक्टेड टू अ हायर साइक्लिक लोडिंग देन द आउटर साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू अ कपल अबाउट इट्स एक्सिस द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द वायर मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग इज। जब भी क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू कपल होगा तो उस कंडीशन में कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा? ऑप्शन बेंडिंग स्ट्रेस ओनली, ऑप्शन बी कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ टॉर्जनल शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग, ऑप्शन सी डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ओनली, ऑप्शन डी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस एंड डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बेंडिंग स्ट्रेस ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म कोफिशियंट ऑफ स्प्रिंग इज, स्प्रिंग का फॉर्म कोफिशियंट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रेशियो ऑफ कॉइल डायमीटर टू वायर डायमीटर, ऑप्शन बी लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी इट्स कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग एनर्जी, ऑप्शन सी कंसर्न विद स्ट्रेंथ ऑफ वायर ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग कोफिशियंट इज ऑलवेज रेफर टू इट्स कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग एनर्जी, मतलब स्प्रिंग कितना ज़्यादा है एनर्जी को स्टोर करने के लिए कैपेबल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ हेलिकल स्प्रिंग हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग इज कट इनटू हाफ्स द स्टिफनेस ऑफ द रिजल्टिंग स्प्रिंग विल बी। तो याद रखना है जब भी स्प्रिंग को जब कट करते हैं जितने रेशियो में आप अगर हाफ करते हैं तो उसका जो स्प्रिंग स्टिफनेस होता है स्टिफनेस बढ़ जाता है उसी रेशियो में। अगर दो में कट करेंगे तो डबल होगा, तीन में करेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा, फोर्थ में करेंगे तो फोर्थ टाइम इंक्रीज कर जाएगा उसकी स्टिफनेस, क्योंकि डिफ्लेक्शन जो स्टिफनेस होती है लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। तो क्या होगा डिफ्लेक्शन, जैसे 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 डिफ्लेक्शन का मतलब लेंथ है, यहाँ पे लेंथ जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे स्टिफनेस उसी रेशियो में क्या होगी बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देख नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शियरिंग स्ट्रेस इन द इनर फेस एज कम्पेयर टू आउटर फेस ऑफ द वायर इन द हेवी क्लोज कॉइल स्प्रिंग इज। ऑप्शन लार्जर, ऑप्शन बी स्मॉलर, ऑप्शन सी इक्वल, ऑप्शन डी लार्जर स्मॉलर डिपेंडिंग अपॉन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग ऑफ कॉइल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्स स्ट्रेस फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स वेरी रैपिडली एज द स्प्रिंग इंडेक्स डिक्रीजेज। तो जब स्प्रिंग इंडेक्स जब डिक्रीज करता है तो वाल्स फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑप्शन इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन सेम नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जब भी वाल्स फैक्टर डिक्रीज होगा तो स्प्रिंग इंडेक्स जब डिक्रीज होगा तो वाल्स फैक्टर इंक्रीज करेगा, इनवर्सली रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लीफ स्प्रिंग द लॉन्गेस्ट लीफ इज नोन एज। तो लीफ स्प्रिंग में जो लॉन्गेस्ट लीफ होता है उसे क्या बोलते हैं? मास्टर लीफ, लोअर लीफ, अपर लीफ एंड नॉन ऑफ दिस। तो लॉन्गेस्ट को हम बोलते हैं मास्टर लीफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टिफनेस ऑफ अ क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड डब्ल्यू इज इक्वल टू। तो जो स्टिफनेस होता है क्लोजली कॉइल्ड का उसका फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो ऑप्शन देखते हैं अपन, जी डी फोर अपन 8DQN, ऑप्शन बी GDQ अपॉन 8DQN, ऑप्शन सी GD4 अपॉन 4DQN एंड ऑप्शन डी GD4 अपॉन 8D2N। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है GD4 अपॉन 8DQN। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ब्लॉक ब्रेक द रेशियो ऑफ शू विड्थ टू द व्हील डायमीटर इज टेकन एज बिटवीन। ऑप्शन 0.1 टू 0.25, ऑप्शन बी 0.25 टू 0.5, ऑप्शन सी 0.5 टू 0.75, ऑप्शन डी 0.75 टू 1। तो जब भी ब्लॉक ब्रेक की बात करते हैं तो रेशियो ऑफ शू विड्थ एंड व्हील डायमीटर जो होता है जनरली 0.25 टू 0.5 के बीच में लिया जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रेडियल बियरिंग द लोड एक्ट्स फिल इन द ब्लैंक्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऑप्शन ए पैरेलल, ऑप्शन बी परपेंडिकुलर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जब भी रेडियल बियरिंग की बात करते हैं तो लोड जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग इज प्रिफर्ड फॉर ऑसिलेटिंग कंडीशन।
ऑप्शन ए डबल रो रोलर बियरिंग, ऑप्शन बी टेपर रोलर रोलर बियरिंग, ऑप्शन सी एंगुलर कॉन्टेक्ट सिंगल रो बॉल बियरिंग, ऑप्शन डी नीडिल रोलर बियरिंग। तो ऑसिलेटिंग कंडीशन के लिए नीडिल बियरिंग नीडिल रोलर बियरिंग प्रेफर किया जाता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शाफ्ट रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट स्लो स्पीड इन अ बियरिंग इट विल, ऑप्शन ए हैव कॉन्टेक्ट एट द बॉटम मोस्ट ऑफ द बियरिंग, ऑप्शन बी मूव टुवर्ड्स राइट ऑफ द बियरिंग मेकिंग नो मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट, ऑप्शन सी मूव टुवर्ड्स राइट ऑफ द बियरिंग मेकिंग द मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट, ऑप्शन डी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द बियरिंग मेकिंग मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है और स्लो स्पीड में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द बियरिंग मेकिंग मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट, मीन्स ऑप्शन डी विल बी राइट ऑप्शन। तो हमेशा किधर लेफ्ट की तरफ मूव करेगा और मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट भी होगा इस केस में, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेटेड लाइफ ऑफ अ बियरिंग वेरीज, मतलब बियरिंग की रेटेड लाइफ कैसे वेरी करती है, ऑप्शन ए डायरेक्टली एज लोड, ऑप्शन बी इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ लोड, ऑप्शन सी इनवर्सली एज क्यूब ऑफ लोड, ऑप्शन डी इनवर्सली एज फोर्थ पावर ऑफ लोड। तो रेटेड लाइफ का फॉर्मूला वो इनवर्सली एज क्यूब ऑफ लोड पे वेरी करती है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बाउंड्री लुब्रिकेटेड बियरिंग देयर इज अ फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ लुब्रिकेंट बिटवीन द जर्नल एंड द बियरिंग, ऑप्शन थिक फिल्म, ऑप्शन बी थिन फिल्म, आइदर ए और बी नन ऑफ दिस। तो बाउंड्री लुब्रिकेटेड में जो लुब्रिकेंट होता है जर्नल और बियरिंग के बीच में, दैट इज थिन फिल्म लुब्रिकेशन, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फ्लेंज कपलिंग द बोल्ट्स आर सब्जेक्टेड टू, फ्लेंज कपलिंग में बोल्ट पे कौन सा स्ट्रेस आता है, ऑप्शन टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, नन ऑफ दिस। तो फ्लेंज कपलिंग में जो बोल्ट होता है उसमें हमेशा शियर स्ट्रेस आता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द बियरिंग इज सब्जेक्टेड टू अ लार्ज फ्लक्चुएशन ऑफ लोड एंड हैवी इंपैक्ट्स द बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर शुड बी, ऑप्शन ए 10 टाइम्स, ऑप्शन बी 5 टाइम्स, ऑप्शन सी 15 टाइम्स एंड ऑप्शन डी इज 20 टाइम्स। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन ऑफ लोड जब होता है तो उस कंडीशन में बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर जो होता है वो 15 टाइम्स ऑफ द बियरिंग मॉड्यूल्स होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्प्रिंग मोस्टली यूज्ड इन ग्रामोफोन इज, ग्रामोफोन में कौन सा स्प्रिंग यूज किया जाता है, ऑप्शन ए हेलिकल स्प्रिंग, ऑप्शन बी कॉनिकल स्प्रिंग, ऑप्शन सी फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग एंड ऑप्शन डी इज वॉल्यूट स्प्रिंग। तो ग्रामोफोन में जो यूज किया जाने वाला स्प्रिंग है, दैट इज फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑयलनेस स्प्रिंग द ऑयल फिल्म प्रेशर इज जनरेटेड ओनली बाय द रोटेशन ऑफ द जर्नल, ऑप्शन बी द ऑयल फिल्म इज मेंटेन बाय सप्लाइंग ऑयल अंडर प्रेशर, ऑप्शन सी डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ लुब्रिकेंट, ऑप्शन डी ग्रीस रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड आफ्टर सम इंटरवल्स। देखिए ऑयलनेस का मतलब है कि स्प्रिंग बियरिंग में ऑलरेडी ऑयल है तो हमें बाहर से लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका मतलब है डू नॉट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ लुब्रिकेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टैंडर्ड टेपर रोलर बियरिंग द एंगल ऑफ टेपर ऑफ आउटर रेसवे इज, ऑप्शन 5 डिग्री, 8 डिग्री, 15 डिग्री एंड 25 डिग्री। तो टेपर्ड जो आउटर रेसवे का जो टेपर्ड एंगल होता है, दैट इज 25 डिग्री, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोलर कॉन्टेक्ट बियरिंग इज एज कंपेयर टू स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग हैव, तो रोलर कॉन्टेक्ट बियरिंग को हम कंपेयर किससे करें, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग से, तो ऑप्शन लो स्टार्टिंग एंड लो रनिंग फ्रिक्शन एक्सेप्ट एट वेरी हाई स्पीड। तो लो स्टार्टिंग टॉर्क भी होता है और लो
स्टार्ट लोअर रनिंग फ्रिक्शन भी होता है रोलर में। नेक्स्ट ये सही है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी ऑफ शाफ्ट अलाइनमेंट, ये भी सही है। नेक्स्ट है स्मॉल ओवरऑल डायमेंशंस, रोलर में ओवरऑल डायमेंशंस स्मॉल होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपर्ड रोलर बियरिंग्स कैन टेक ऑप्शन ए एक्सियल लोड ओनली, ऑप्शन बी बोथ रेडियल एंड एक्सियल लोड्स एंड द रेशियो ऑफ दिस बीइंग ग्रेटर देन यूनिटी, ऑप्शन सी रेडियल लोड ओनली बोथ रेडियल एंड एक्सियल लोड एंड द रेशियो ऑफ दिस बीइंग लेस देन यूनिटी। तो टेपर्ड रोलर बियरिंग के लिए दोनों लोड एडजस्टेबल होता है, रेडियल एंड एक्सियल, और इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज ग्रेटर देन वन ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्लाइडिंग बियरिंग विच कैन सपोर्ट स्टेडी लोड्स विदाउट एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द जर्नल एंड द बियरिंग इज कॉल्ड, ऑप्शन अ हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेटेड बियरिंग, ऑप्शन बी हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेटेड बियरिंग, ऑप्शन सी बाउंड्री लुब्रिकेटेड बियरिंग, ऑप्शन डी जीरो फिल्म बियरिंग। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, तो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग किसको हम बोलते हैं? जनरली हमारा रोलर बियरिंग होता है उसको हम एंटी फ्रिक्शन बियरिंग बोलते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है देखिए। ऑप्शन है जर्नल बियरिंग, ऑप्शन बी है पेडेस्टल बियरिंग, ऑप्शन सी है कॉलर बियरिंग, ऑप्शन बी डी है निडिल बियरिंग। तो यहाँ पर निडिल बियरिंग इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी फ्रिक्शन बियरिंग्स ऑप्शन हैव लो स्टार्टिंग एंड लो रनिंग फ्रिक्शन एट मॉडरेट स्पीड, सही है। नेक्स्ट हैव हाई इनिशियल कॉस्ट, ये भी सही है। ऑप्शन सी कैन कैरी बोथ रेडियल एंड थ्रस्ट लोड, अभी देखा हमने। नेक्स्ट ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस फॉर एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बियरिंग ऑफ हेवी सीरीज हैव कैपेसिटी, तो हेवी सीरीज की जो बियरिंग होती है उसकी कैपेसिटी कितना होता है ओवर मीडियम सीरीज, मीडियम सीरीज से ज्यादा। ऑप्शन 2 to 30%, ऑप्शन बी 10 to 20%, ऑप्शन सी 30 to 40%, एंड ऑप्शन डी इज 40 to 50%। तो करेक्ट आंसर इज 20 to 30% ज़्यादा होता है मीडियम सीरीज की बियरिंग से। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल यूज फॉर ब्रेक लाइनिंग शू हैव कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, जो ब्रेक लाइनिंग के लिए जो मटेरियल यूज किया था उसकी कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी होनी चाहिए, लो हाई मॉडरेट नन ऑफ दिस। तो भाई जब ब्रेक लाइनिंग के लिए यूज करेंगे मटेरियल तो उसके लिए कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ऑलवेज हाई, तभी तो ब्रेक लगेगा। अगर कम होगा कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन तो ब्रेक ही नहीं लगेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप ग्रूव बॉल बियरिंग आर यूज फॉर, डिप ग्रूव बॉल बियरिंग क्यों यूज किया जाता है? ऑप्शन ए हैवी थ्रस्ट लोड ओनली, ऑप्शन बी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ शाफ्ट, ऑप्शन सी रेडियल लोड एट हाई स्पीड, ऑप्शन डी कंबाइंड थ्रस्ट एंड रेडियल लोड्स एट हाई स्पीड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द यूजुअल क्लियरेंस प्रोवाइडेड इन हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग पर एमएम ऑफ डायमीटर ऑफ शाफ्ट, तो ऑप्शन देख लेते हैं 0.01 माइक्रोन, ऑप्शन बी 0.1 माइक्रोन, ऑप्शन सी 1 माइक्रोन एंड ऑप्शन डी 10 माइक्रोन्स। तो हमेशा 1 माइक्रोन प्रोवाइड किया जाता है पर एमएम ऑफ डायमीटर ऑफ शाफ्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।